प्रणाम दुर्गा माता, मेरा नाम है नोबिता और मैं डोरेमान का दोस्त हूँ। मुझे लगता है कि महिषासुर का वध किसी और ने नहीं, सरस्वती माता ने किया था। प्रणाम दुर्गा माता, मेरा नाम है सिंचन नोहारा और मैं 5 साल का हूँ। मैं हिमावारी का बड़ा भाई हूँ। मुझे लगता है कि महिषासुर का वध लक्ष्मी मैया ने किया था। प्रणाम दुर्गा माता, मैं हूँ राजू, मैं ढोलकपुर से आया हूँ। मुझे लगता है कि महिषासुर का वध किसी और ने नहीं, काली मैया ने किया था। प्रणाम दुर्गा माता, मेरा नाम है कालिया और मैं ढोलकपुर से आया हूँ। मुझे लगता है कि महिषासुर को पार्वती मैया ने मारा था। अरे प्रणाम दुर्गा माता, मैं हूँ मोटू और मैं फुरफुरी नगर से आया हूँ। मुझे लगता है कि यशोदा मैया ने वध किया था महिषासुर का। प्रणाम दुर्गा माता, मैं हूँ चुटकी और मैं ढोलकपुर से आई हूँ। मैं छोटा भीम की बहुत अच्छी दोस्त हूँ। मुझे लगता है कि महिषासुर का वध किसी और ने नहीं, गंगा मैया ने किया था। प्रणाम दुर्गा माता, मेरा नाम है छोटा भीम और मैं ढोलकपुर से आया हूँ। मुझे लगता है कि महिषासुर को किसी और ने नहीं, बल्कि आपने ही दुर्गा माता ने वध किया था। प्रणाम दुर्गा माता, मेरा नाम है महारानी इंदुमती और मैं ढोलकपुर के राजा की बेटी हूँ। मुझे लगता है कि महिषासुर का वध किसी और ने नहीं, सीता मैया ने किया था। अरे अरे प्रणाम दुर्गा माता, मैं मिर्ची नगर से आया हूँ, लिटिल सिंघम। मुझे लगता है कि महिषासुर का वध किसी और ने नहीं, बल्कि सिर्फ राधा मैया ने किया था। अरे अरे मेरे भक्तों, ये देखो यहाँ पे लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब तुम ही जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इन सारे लोगों में से सही कौन बोल रहा है। और अगर तुम मुझसे और इन सभी लोगों से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।